उन्होंने इतने आके रैलियां किया कि मैं पूरी जोर लगा रहा है और बहुत छेती बेक मुहिम से कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई हो ही है। तो अज का कर्मचारी अज का जो मजदूर वर्ग आज का जो व्यवसायी वर्ग है वो बहुत दुखी है कांग्रेस की सरकार को। देखा होना कि इलेक्शन तो पहला लख तोड़ महंगाई, रोज तेल बढ़ रही है, रोज कीमत बढ़ रही है और रोजाना बहुत सारा जिहड़ा हैगा एम्पलाइज वास्ते आम कर्मचारियों वास्ते पर इलेक्शन डिकलेयर होने के नाल कहते जी कीमत भी कंट्रोल हो गई, तेल भी सस्ता हो गया पर टेम्परेरी मेजर सीगा। अज तुम देख लो अब जो खान दिया चीजा है आटा है हर एक लोड़ है, चीनी है हर एक लोड़ है, इलेक्शन के दौरान भी महंगी हो जा रही है जबकि अजे वोटा की लोड़ हैगी। कांग्रेस पार्टी जिसने इतों जरा साडे पवन बांसल जी सी जिन्होंने स्टेट मिनिस्टर फाइनांस बनाया अज एक भी स्कीम चंडीगढ़ वास्ते नहीं लैके आती। साडे यूनियन के कर्मचारी जिन्हों की डेथ हो जाती आज की कर्मचारी रैली में आए हुए मेरे कर्मचारी भाइयों, मैं समय पर आप लोगों का लंच आवर से पहले अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं ताकि आप दफ्तर में समय पर जा सकें। लोकसभा का चुनाव 5 साल के बाद हो रहा है और 5 साल के बाद जब कोई व्यक्ति वोट मांगने आता है तो आपके मन में हमारे मन में यह पहला सवाल पैदा होता है कि उस आदमी ने 5 साल में क्या काम किया है। पिछले 5 साल पहले जब कांग्रेस ने वोट मांगी तो वोट मांगते समय कांग्रेस पार्टी ने कहा था हमको वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस पार्टी आम आदमी का ख्याल रखेगी, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, इस नारे पर लोकसभा में पिछली बार कांग्रेस ने वोट मांगा। कर्मचारी भाइयों सबसे ज्यादा परेशान 5 साल में अगर कांग्रेस के राज में कोई हुआ है तो आम आदमी हुआ है, कर्मचारी हुआ है, मजदूर हुआ है, छोटा दुकानदार हुआ है। जितनी महंगाई हिंदुस्तान में 5 साल में बढ़ी है, जितनी चीजें महंगी इस 5 साल में बिकी है, जब से हिंदुस्तान बना है कभी इतनी महंगी चीजें अतीत से लेकर आज तक नहीं बिकी थी। कांग्रेस की सरकार नहीं थी तो हमारे यहाँ राज में आटा 5 रुपए किलो, चीनी 12 रुपए किलो, दालें 20 रुपए किलो मिला करती थी। 5 साल के कांग्रेस के राज में आटा 15 रुपए किलो, आज चीनी 30 रुपए, 32 रुपए किलो, दालें 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए किलो मिल रही है। गैस कनेक्शन जो हमारे दौर में घर घर मिलता था कांग्रेस के दौर में नहीं मिला, ब्लैक में मिल रहा है, 3-3 हफ्ते की बुकिंग हो रही है। जो गरीब आदमी अपना खाना गैस कनेक्शन नहीं मिल रहा, वो मिट्टी के तेल से बनाना चाहता है, स्टोव से बनाना चाहता है, उसको मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा। मिट्टी के तेल का कोटा 35 लीटर से कम करके 15 लीटर किया और आज 30 रुपए की ब्लैक में मिट्टी के तेल की बोतल मिल रही है जो हमारे दौर में 9 रुपए, 10 रुपए में मिला करती थी। आज वित्त मंत्री जी का, पवन बंसल जी का बयान आता है महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, महंगाई तो अटल बिहारी वाजपेयी के राज में होती थी। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ इतना आप क्या समझते हो कि चंडीगढ़ के लोग इतने बेवकूफ हैं, चंडीगढ़ के लोग इतने असमझदार हैं कि आपका झूठी बात को स्वीकार करके मन में ले लेंगे। चीनी 12 रुपए किलो महंगी होती है कि 30 रुपए किलो महंगी होती है, आटा 5 रुपए किलो महंगा होता है या 15 रुपए किलो महंगा होता है, ये आम आदमी भी इस बात को समझता है। जितनी महंगाई इस सरकार के दौर में हुई है और जब कांग्रेस आती है तो महंगाई आती है, जब कांग्रेस चली जाती है तो महंगाई पर कंट्रोल हो जाता है। 1970 से 80 तक जनता पार्टी की सरकार रही, महंगाई पर काबू पाया हुआ था। आज 6 साल हमारी अटल जी की सरकार रही, महंगाई पर काबू पाया हुआ था। भाजपा की सरकार आए दोबारा महंगाई पर काबू पाएंगे। लोग कहते हैं आप कैसे करेंगे, चीनी की मैं उदाहरण देता हूं, हिंदुस्तान में चीनी की कमी नहीं है लेकिन चीनी मार्केट में तब आती है अगर फूड मिनिस्टर ऑर्डर करे, जो ही महंगाई बढ़ने लगे ज्यादा चीज रिलीज कर दीजिए चीजें डाउन आ जाती है, आम आदमी की जेब से पैसा निकल के उसकी जेबों में जा सके। आज 5 साल के बाद वोट मांग रहे हैं, कर्मचारियों से जुड़े सारे मामले, कौन सा मामला मैं उनसे चैलेंज करता हूँ कि आओ बहस करें, टीवी पर बहस करें, प्रेस के सामने बहस करें, कर्मचारियों के सामने बहस करें। 5 साल पहले जो आपने वायदे किए थे कौन सा वायदा आपने पूरा किया है? बजाज जी ने बताया आपने कहा था चंडीगढ़ को क्लास ए का स्टेटस दिलाएंगे, चंडीगढ़ को क्लास ए का स्टेटस नहीं मिला है। आपने कहा था 13 टाइप के जो कर्मचारी हैं उनके मकानों का मालिकाना हक दिलाया जाएगा, आज भी वो धक्के खाते घूम रहे हैं, उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। आपने कहा था जो जमीनें एक्वायर की जा रही है
वो जमीनों का सही मुआवजा 4 करोड़ दिया जाएगा। अखबारों में बयान 4 करोड़ का दिया होगा, असली मुआवजा तो 10 लाख पर एकड़ का मिला है उनको। जमींदार से जमीन 10 लाख पर एकड़ ली, हाउसिंग बोर्ड जिसको बनाया गया था कि वो लोगों को सस्ते मकान दे, इस सरकार में कांग्रेस की दौर में इस चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने 2 कमरे का फ्लैट 35 लाख रुपए में बेचा, 35 लाख रुपए में, 4 लाख में 2 कमरे का फ्लैट जिसको देना चाहिए था, अगर वो 35 लाख के अंदर फ्लैट बेच रहा है, इसके लिए सीधे सीधे तुम्हारी सरकार जिम्मेदार है। आज किस मुंह से आके लोगों को कह रहे हो मैं सस्ते मकान दूंगा? कोई समस्या मुझे बताओ? 13 टाइप वालों की मैंने बताई, क्लास ए स्टेटस की मैंने बताई, बैंक कर्मचारियों को कहा गया था पिछले लोकसभा चुनाव में आपकी सेटलमेंट करवाई जाएगी, एग्रीमेंट साइन करवाया जाएगा, आज तक नहीं हुआ, वो धक्के खाते घूम रहे हैं। LIC के कर्मचारियों को कहा गया था FDI की इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं होने दी जाएगी, इन वित्त मंत्री ने इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की इन्वेस्टमेंट 23% से बढ़ाकर 49% का बिल आपने लोकसभा के अंदर पेश किया था। इस सरकार ने वादा खिलाफी की है, चंडीगढ़ के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाया। मैं चैलेंज करता हूं, बताइए चंडीगढ़ को पिछले साल प्लान बजट में 304 करोड़ मिला था, इस बार वो पैसा कम होकर 300 करोड़ हो गया है, और जो पैसा आया भी है हाउसिंग बोर्ड ने मुनाफा कमा के 1100 करोड़ जमा करवाया, उसकी सस्ते मकान देते कर्मचारियों को, रिटायरमेंट पर 2-2 कमरे के फ्लैट बना के देते, वो काम तो नहीं किया। 1100 करोड़ बैंकों में जमा करा दिया FDR, आपने कभी सुना नहीं होगा कि सरकारें बैंकों में सूद जो आता है उस पर सरकारें चल रही हैं। कांग्रेस ने 1100 करोड़ हाउसिंग बोर्ड का जमा करवाया बैंकों में, और उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पर कारपोरेशन चला रहे हैं। ये छोटे छोटे टैक्स लगा रहा है कारपोरेशन, पार्किंग पर टैक्स लगा रहा है। आप सामान लेने आओ, सामान 10 रुपए का, पेड पार्किंग 15 रुपए की उनको पे करनी पड़ती है। 500 करोड़ रुपया जो म्युनिसिपल कारपोरेशन के पास आया, जिससे सड़कें बन सकती थी, कम्युनिटी सेंटर बन सकता था, स्कूल बन सकता था, डिस्पेंसरी बन सकती थी, और सारे डेवलपमेंट के काम हो सकते थे, वो डेवलपमेंट का काम इन्होंने नहीं किया। 500 रुपया बैंक में जमा करा दिया FDR म्युनिसिपल कारपोरेशन ने, हमसे तो 5-5, 10-10 रुपए के टैक्स भी इकट्ठे कर रहे हैं, और वो पैसा बैंक में जमा करा के उसका जो सूद आ रहा है उससे काम करना चाहते हैं। आज आपको किसी बच्चे की शादी करनी हो, 500-700-800 लोग आने हो, चंडीगढ़ में कोई जगह नहीं है जहां पर आप अपने बच्चे की शादी कर सके, कोई AKM में जाता है, कोई सोही में जाता है, सबको जीतपुर जाना पड़ता है। चंडीगढ़ में सेक्टर 40 में 6 एकड़ का प्लॉट पड़ा है जहां जज घर बनना है, क्योंकि कांग्रेस के एक लीडर वो प्लॉट हथियाना चाहते हैं अपने स्कूल के लिए, इसलिए उस पर कम्युनिटी सेंटर नहीं बनने दिया गया, 6 साल जज घर नहीं बनने दिया गया, क्योंकि उनको लगता है कि ये प्लॉट मैं ले सकता हूं, अपने बच्चों के लिए ले सकता हूं। ये 500 रुपया बैंकों में, 1400 रुपया बैंकों में, और बाकी यहां ही नहीं है, स्विट्जरलैंड के बैंकों में हिंदुस्तान के करप्ट पॉलिटिशियंस ने, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स ने 70,000 करोड़ रुपया जमा कराया, हमारा, आपका और हमारी जेबों से निकालकर पैसा वहां जमा कराया। लाल कृष्ण अडवाणी ने कहा हम ये पैसा निकलवाएंगे, और पैसा निकलवाकर सारा पैसा हिंदुस्तान वापस लेकर आएंगे। एक इकोनॉमिस्ट ने अखबार में लिखा कि अगर ये सारा पैसा जो हिंदुस्तान का फॉरेन बैंकों में जमा करवाया है, अगर वो आ जाए हिंदुस्तान में वापस, 6 साल हिंदुस्तान को कोई टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा, 6 साल बिना टैक्स से हिंदुस्तान की सरकार चल सकती है। हमने अखबारों में बयान दिया, अडवाणी जी ने बयान दिया, वित्त मंत्री बंसल जी का बयान आया, आपको किसने बताया वहां पैसा जमा है, कितने पैसे हैं, आपको कैसे पता है? हमने कहा अगर आप ईमानदारी से बात करना चाहते हो, हिंदुस्तान का हर नागरिक चाहता है कि जितना ब्लैक मनी बाहर गया वो हिंदुस्तान में वापस आना चाहिए, चाहे वो किसी भी लीडर का हो, किसी भी ऑफिसर का हो। आपके पेट में भरोड़ क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं आपको मालूम हो कि किस किस का पैसा वहां जमा है? अपने ही नेताओं का, कोई और, जो मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, किसी इसी खानदान का पैसा तो नहीं है कि आपको डर हो गया कि वो पैसा अगर वापस आ गया तो हमारे पैसे चले जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर जहां जहां विदेशों में काला धन हिंदुस्तान का जमा करवाया है, चाहे कितना ही पांडे खान लीडर हो, वो सारा धन हमारी सरकार वापस लेकर आएगी और डेवलपमेंट के काम पर लगाया जाएगा। और ये जो चंडीगढ़ में भी हाउसिंग बोर्ड का पैसा, कारपोरेशन का पैसा बैंकों में FDR जमा किया गया है, ये पैसा निकलवाकर सारे सेक्टरों की डेवलपमेंट होगी, सड़कें, पार्कें, कम्युनिटी सेंटर, हॉस्पिटल, स्कूल, ये डेवलपमेंट का पैसा डेवलपमेंट में लगाया जाएगा। आज ये आप खड़े हैं फ्लाईओवर के नीचे, ओवर
कितनी बड़ी